करेक्टिव स्टेप ऑफ क्रॉनिक के थ्योरीज ऑफ क्रेट साइकिल में थर्ड जो हमारी अवस्था है वो है डिप्रेशन की अवस्था, जिसमें हमें क्या कहते हैं अवसाद या मंदी की स्थिति भी कहते हैं। अवसाद या मंदी की स्थिति में क्या होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन तथा रोजगार के स्तर में क्या जाती है, गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है। लोग क्या करते हैं, विनियोग में भी कमी हो जाती है। अर्थव्यवस्था में जो हमारे लेबर हैं तथा अन्य साधन क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनका सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होता तथा मजदूरी की दर में भी क्या हो जाती है, अत्यधिक कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होती है, हमारी वास्तविक मजदूरी तो बढ़ जाती है पर मजदूरी की दर में कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं कि जब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में कम सेल होगा, तो प्रोडक्ट मार्केट में कम सेल होगा तो जिसके कारण क्या होगा, जो वास्तविक मजदूरी दर है वो तो हमारी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा उसका प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पे दो चीज़ें होती है, जब हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारी कीमत स्तर होती है, जो हमारा प्राइस लेवल बढ़ता है, तो हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे यही देखा जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने से क्या हो जाता है, उसका प्राइस गिरने लगता है। प्राइस गिरने के कारण भी क्या होता है, फिर भी उसका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन भी इसमें क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही नहीं मानते, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, उद्योगिक धंधों को हानि होगी, प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव साइन देना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण लोगों को क्या होता है, जो इंडस्ट्री एरिया है, जो एग्रीकल्चर है या जो भी एंटरप्रेनर है, उन सबको क्या होना स्टार्ट हो जाता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लॉस होने के कारण क्या होता है, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो बॉट फेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है, लोगों के लिए मान लीजिए क्या हो, लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो पहले क्या होगा, उसमें 30 एम्प्लॉय काम कर रहे थे और अब क्या होगा, हमारा जो है प्रोडक्शन का लेवल गिर गया। जब प्रोडक्शन का लेवल हमारा गिर गया तो वहाँ पे क्या होगा, काम ही नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को डर होना स्टार्ट हो जाता है, श्रमिकों को भय होना स्टार्ट हो जाता है कि कहीं हम यहाँ से हट ना जाए, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी किसी चीज़ की, तो वहाँ पे क्या होगा, कम से कम यहाँ से 10 ही लोग रह जाएंगे और 20 लोगों को वहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखो इसमें क्या बताया है, इसने यही बताया है कि यहाँ पे क्या होगा, भारी बेरोजगारी का हमें सामना करना पड़ता है, जो ऊंची मजदूरी के प्रभाव को भी कम कर देते हैं। फिर इन्होंने बताया, वे व्यक्ति जो रोजगार में लगे हुए थे उनके सामने सदैव यह भय बना रहता है कि कहीं वे बेरोजगार ना हो जाए। बेरोजगारी का तो रहेगा, क्यों? क्योंकि ना तो प्रोडक्शन हो रहा है, ना डिमांड हो रही, और कंपनी लॉस में जा रही है। जब किसी भी कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, तो वहाँ से क्या होता है, सबसे पहले एम्प्लॉय जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें निकालना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि लॉकडाउन में भी आपने देखा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं बंद हो गई थी, और जिसके कारण जो हमारे श्रमिक लोग हैं उन लोगों का पतन हुआ, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हानि हुई, क्योंकि उन कंपनियों में जब जो प्रोडक्ट बन रहा था वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन ना होने के कारण जो श्रमिक वहाँ पे 30 काम करते थे उनमें से कम 20 को निकाल दिया और क्या रह जाते हैं, 10, जिसके कारण 20 लोगों को क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, सामना करना पड़ता है। फिर इसमें क्या बताया है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जो कर्म होता है वो क्या होता है, वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, जो हमारी कमोडिटीज़ होती है, गुड्स होती है, उनकी जो डिमांड होती है वो कम होने लगती है। प्राइस भी हमारे क्या होते हैं, गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारा ट्रेड होता है, जो हमारा बिजनेस होता है, उसमें क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। बैंकों में ऋणों की अदायगी का नहीं होना, जो बैंक होते हैं हमारे, जो ऋण वगैरह होते हैं उनको भी हम पेड नहीं कर पाते। भिक्षण क्या हो जाती है, इसमें बेरोजगारी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। आय जो इनकम होती है उसमें भी कमी आ जाती है। मान लीजिए क्या है, इसमें से फिर देखो जो 20 रखे थे ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए 20 हटा दिए, 10 बचे, उन 10 की भी क्या करेंगे, उन्हें सिर्फ इसलिए रख दिया कि उनकी क्या है, मजदूरी उनकी भी कम कर दी जाती है। क्यों? जो कंपनी को क्या होगा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो वो उन्हें पेमेंट कहाँ से करेगी, तो उनकी या तो सैलरी काट दी जाती है या उन्हें हाफ दी जाती है, वो भी कम कर दी जाती है। फिर क्या होता है इसमें कि व्यवसाय निष्क्रिय हो जाता है, रोजगार व आय निम्न स्तर पर होते हैं, कोई इनकम भी नहीं होगी और ना क्या होगा, हमारे पास रोजगार होता है। फिर क्या होता है इसमें, फिफ्थ फेज आता है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज क्या है, मान लीजिए उसने वही, जैसे कि आपने रेसेशन में पढ़ा था कि हमने क्या कहा था, बहुत सारा रॉ मटेरियल ले लिया किसी चीज़ का, रॉ मटेरियल पहले ही ले रखा था। रेसेशन में क्या था कि थोड़ा प्रोडक्ट क्या होता, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बूम में हमारा अच्छा सारा प्रोडक्ट बिका था, हमने क्या हुआ रेसेशन के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल ले लिया, पर रेसेशन से ही हमें कंडीशन दिखी कि हमारा मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो वो रॉ मटेरियल फिर भी कुछ यूज़ हो गया था। अब जब हमारी कंडीशन आती है डिप्रेशन की, तो वहाँ पे क्या होता है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, वो रॉ मटेरियल में क्या होता है, कुछ वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका रॉ मटेरियल जल्दी ही ख़राब हो जाता है, तो जो
यूटिलाइज्ड होता है वो अनयूटिलाइज्ड में चेंज हो जाता है, किसका, प्रोडक्ट का। तो अनयूटिलाइज्ड क्या हो जाते हैं, इसमें रिसोर्सेज हो जाते हैं। थैंक यू।